आदाब, केबी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है विजयदशमी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आज है 90वीं जयंती। पूरा देश उन्हें कर रहा है याद। राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। आज वापस ले सकते हैं इस्तीफा। नई कार्यकारिणी का ऐलान संभव। उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात में अंबियापुर और रूरा के बीच मालगाड़ी पटरी से उतरी। दिल्ली हावड़ा रूट की कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। दिल्ली के जोरबाग में धार्मिक जुलूस के दौरान लोगों की पुलिस से झड़प। पुलिस ने सख्ती से मामले को संभाल लिया। अब समाचार विस्तार से। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आज 90वीं जयंती है। इतिहास। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे कलाम देश के युवाओं को देश की सच्ची पूंजी मानते थे और बच्चों को हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर आज जहां पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, वहीं हम बिदरवासियों को भी अब्दुल कलाम के बिदर दौरे के वो पल याद आ रहे हैं जब APJ अब्दुल कलाम ने 19 मार्च 2015 को बिदर आकर यहां पर जिला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था और बच्चों से मुलाकात की थी। उस समय PC जाफर जिला उपायुक्त थे। इस अवसर पर उन्होंने दक्कन में सांप्रदायिक सद्भाव और अंतरधार्मिक एकता क्षेत्र की बहुसंस्कृतिवाद और भाषाई सद्भाव और तत्कालीन शासकों की तकनीकी और स्थापित्य उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बात की थी। संगोष्ठी का आयोजन जिला विरासत समिति द्वारा किया गया था। देश आज पूरे धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने बधाई दी। राष्ट्रपति भवन के ट्विटर अकाउंट से इस अवसर पर लिखा गया है कि विजयदशमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये त्यौहार हमें नैतिकता, भलाई और सदाचार के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। मेरी शुभकामना है कि ये पर्व देशवासियों के जीवन में समृद्धि व प्रसन्नता का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, विजयदशमी के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, समस्त देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अधर्म, अन्याय, असत्य व अत्याचार पर धर्म, न्याय, सत्य और सदाचार की शाश्वत जीत का ये पूर्व सभी को अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, विजयदशमी के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आज 90वीं जयंती है। इतिहास में 15 अक्टूबर का दिन भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम को फौलादी और अभेद बनाने वाले पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। बेहद सहज और सरल व्यक्तित्व वाले मृदुभाषी कलाम की रहनुमाई में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सबसे घातक और मारक हथियार प्रणालियों का देश में ही विकास किया। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे कलाम देश के युवाओं को देश की सच्ची पूंजी मानते थे और बच्चों को हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें याद किया। राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति कोविंद ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर जम्मू और कश्मीर स्थित उधमपुर के उत्तरी कमान में पुष्पांजलि दी। वहीं उपराष्ट्रपति MK Naidu ने ट्वीट किया, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर आपकी पुण्य स्मृति को सादर प्रणाम। पंजाब कांग्रेस की खला भरी राजनीति में एक बार फिर स्थितियां शांत होती दिख रही हैं। एक और जहां नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर में नरमी आई है, वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी उनके लिए नरम रुख अख्तियार किया है। हालांकि सिद्धू से ये स्पष्ट हो गया है कि उन्हें पार्टी लाइन पर ही चलना होगा। सिद्धू ने गुरुवार को संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की। सिद्धू ने दोनों नेताओं को उन मुद्दों से अवगत कराया जिनको लेकर उन्होंने पिछले दिनों पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस मुख्यालय पर करीब 1.25 घंटे तक चली बैठक में पंजाब सरकार और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और सहमति बनाने का प्रयास हुआ ताकि चुनाव से पहले पूरी पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतर सके। सूत्रों ने यह भी बताया है कि फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बदलाव के आसार कम हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का समय रह गया है।
ऐसे में कांग्रेस आला कमान सिद्धू के इस्तीफे को लेकर उनके और पार्टी दोनों के लिहाज से कोई सम्मानजनक फैसला कर सकता है। माना जा रहा है कि अगले एक या दो दिनों में निर्णय हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं के वैद्यों का टोला में नजीब समेत 6 लोगों का ये परिवार 5 साल पहले तक हंसी खुशी रह रहा था। नजीब अहमद के पिता नफीस अहमद फर्नीचर का कारोबार करते थे। यही नहीं, कारोबार की तरह से अपने घर को भी उन्होंने एक गुलदस्ते जैसा सजाया हुआ था। नजीब जेएनयू में बायोटेक्नोलॉजी का छात्र था। मंझला बेटा मुजीब एमटेक कर रहा था और सबसे छोटा बेटा हसीब भी पढ़ाई कर रहा था। नजीब डॉक्टर तो मुजीब प्रोफेसर बनना चाहता था। 3 भाइयों लेकिन अब सिर्फ 2 भाइयों की बहन भी कॉलेज जाती थी। जब नजीब जेएनयू से घर आता था तो परिवार चहक जाता था। लेकिन 15 अक्टूबर 2016 को नजीब जेएनयू से क्या गायब हुआ कि इस घर की खुशियां ही चली गईं। नजीब को तलाशने में माँ फातिमा शहर शहर गलियों की खाक छानती रही, लेकिन आज तक वो उसको दोबारा नहीं देख सकी। नजीब की तलाश में सड़क ही उनका दूसरा घर बन चुका था, लेकिन देश की सड़कों पर भटकती फातिमा अब बिस्तर पर हैं। उनके पैर अब उनका साथ नहीं देते हैं। वहीं नजीब को तलाशने में परिवार की संपत्ति बिकना शुरू हो गई थी। छोटी बहन की शादी के रुपये खर्च हो गए। बेटे की याद में पिता दिल के मरीज हो गए। काम धंधा बंद हो गया। नजीब की याद में पूरा दिन पलंग पर बीतता है। कान डोरबेल पर लगे रहते हैं। दवा का भी कोई भरोसा नहीं रहता। थोड़ी बहुत तबीयत ठीक होती है तो दुकान पर चले जाते हैं, नहीं तो बस घर पर ऐसे ही पड़े रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सुबह तड़के करीब 4 बजे मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके चलते देश के प्रमुख दिल्ली हावड़ा रूट की कई ट्रेनों का रुख बदला गया है। जानकारी के अनुसार रूरा और अमियापुर के बीच मालगाड़ी पटरी से उतरी है। इसमें मालगाड़ी के करीब 10 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पूरे ट्रैक पर डिब्बे बिखरे पड़े हैं। वहीं OHT लाइन टूट गई है। फिलहाल मौके पर टेक्निकल टीमें पहुंच गई हैं और रूट को दोबारा चालू करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। वहीं रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। पूरा अंबियापुर के बीच मालगाड़ी के ड्रेल होने के बाद से तेजस लखनऊ शताब्दी, कानपुर शताब्दी, दिल्ली पुरी समेत 1 दर्जन ज्यादा ट्रेनों का रुख डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्जन के तहत ट्रेनों को कानपुर से मुरादाबाद होते हुए गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली और कुछ ट्रेनों को कानपुर से शाकोहाबाद होते हुए गाजियाबाद होते हुए दिल्ली भेजा जा रहा है। आज दिन के लिए अप और डाउन का यही रूट निर्धारित किया गया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482279। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो
और भी अमूल्य हो जाती है। बिदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बिदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बिदर। फोन नंबर 8555001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है, और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है, मगर आप बिदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल है। और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बिदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बिदर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दक्षिणी दिल्ली की बीके दत्ता कॉलोनी में गुरुवार को एक धार्मिक जुलूस निकालने के दौरान लोगों का एक समूह पुलिस से भिड़ गया। अधिकारियों ने बताया कि ये घटना उस समय हुई जब लोगों का एक समूह जोरबा के करबला इलाके की ओर जा रहा था और वे दरवाजों से गुजरना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि भीड़ वहां तैनात पुलिस कर्मियों से भिड़ गई, क्योंकि उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इलाके में कई प्रवेश द्वार बंद कर दिए थे। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से मामले को संभाल लिया। बता दें कि ये इलाका सीएम अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली में आता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल कई साल तक देश की कमान संभाली बल्कि युद्ध के समय भी नेतृत्व किया। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर शंघाई सहयोग संगठन की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का भी जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रीय विकास में महिला शक्ति की भूमिका को लेकर भारत का अनुभव सकारात्मक रहा है। सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर बातचीत करना ठीक है, लेकिन सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण के सभी क्षेत्रों में उनके व्यापक योगदान को पहचाना जाना चाहिए। दिल्ली के बाहर सिंधु बॉर्डर पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कथित तौर पर शुक्रवार सुबह किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुख्य मंच के पास कटे हुए हाथ के साथ व्यक्ति का शव एक बैरिकेड से लटका मिला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के 96 स्थापना दिवस पर शुक्रवार को नागपुर में शस्त्र पूजा की और स्वयंसेवकों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में इजरायली महावाणिज्य दूत कोबी शोशनी भी मौजूद रहे। बता दें कि हिंदी तिथि के मुताबिक विजयदशमी के दिन ही साल 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ हमने एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी अपने मन में अनुभव की। वो दर्द अभी तक गया नहीं है। अपने देश का विभाजन हुआ अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसे जानना चाहिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड में ऑनलाइन फतवे की सुविधा की शुरुआत की गई है। बोर्ड ने ऑनलाइन फतवे हासिल करने के लिए ईमेल आईडी जारी की है। लोग उर्दू, हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में ऑनलाइन शरई मसाइल पर दिशा निर्देश हासिल कर सकते हैं।
मशहूर बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान 11 साल के लंबे अंतराल के बाद फिल्मों में वापसी करने वाले हैं। इसके लिए वो जिम में खूब पसीना बहा रहे हैं और वापस फिट बॉडी की तलाश में हैं। अब फरदीन खान की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद सभी उनकी तारीफ में लगे हैं। तस्वीरों में एक्टर का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। फरदीन की कभी कभार तस्वीरें सामने आती थी जिसमें वो काफी बड़े हुए वजन के साथ दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब उन्होंने वापस पहले की तरह शेप पा लिया है। फरदीन खान बीते गुरुवार को अपनी आगामी फिल्म विस्फोट के मुहूर्त पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने फोटोग्राफर्स की अपील पर खूब तस्वीरें खिंचाई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है विजयदशमी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आज है 90वीं जयंती। पूरा देश उन्हें कर रहा है याद। राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, आज वापस ले सकते हैं इस्तीफा। नई कार्यकारिणी का ऐलान संभव। उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात में अंबियापुर और रूरा के बीच मालगाड़ी पटरी से उतरी। दिल्ली हावड़ा रूट की कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। दिल्ली के जोरबाग में धार्मिक जुलूस के दौरान लोगों की पुलिस से झड़प, पुलिस ने सख्ती से मामले को संभाल लिया। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24x7। धन्यवाद।